गजब का टेस्ट है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग हल्के मीठे के अंदर केसर दूध डालकर मतलब हम लोग उसे पी रहे हैं। इतना प्यारा, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका। दोस्तों वीडियो को देखिए और जैसे मैंने इसे बनाया आप लोग बिल्कुल इसे वैसे बनाइए, आपको इसे पीने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बेनिफिट्स क्या है वो तो आपको पता चल ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप लोग देख रहे हैं DC फिटनेस टॉक्स। तो दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। तो दोस्तों हल्दी को हम लोग इंग्लिश में टर्मरिक भी कहते हैं, और दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेडिकल साइंस की लैंग्वेज के बारे में तो दोस्तों हम लोग मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में हल्दी को कहते हैं कुरकुरा और डोमेस्टिका। तो दोस्तों उसे कुरकुरे मत समझ लीजिएगा, हम लोग उसे कहते हैं कुरकुरा। तो दोस्तों हल्दी एक जादुई फूड है। दोस्तों हल्दी हमें पाउडर के रूप में भी मिल जाती है, दोस्तों हल्दी हमें अदरक की इस तरह की गांठ के रूप में भी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ये अदरक की तरह दिखाई देने वाली गांठ हल्दी की गांठ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि भाई हल्दी एक जादुई रूप से हमारी बॉडी के लिए काम करती है, इसी दोस्तों हल्दी के हमें बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हल्दी को हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं जो ईजिली हमारे शरीर के अंदर चली जाए और उसके फ़ायदे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। तो दोस्तों हमें गैस के ऊपर रखना है एक खाली बर्तन, और उसके नीचे हमें गैस को कर देना है ऑन, और दोस्तों हमें उसके अंदर डालना है थोड़ा सा दूध। और दोस्तों मैंने जो हल्दी की गांठ थी मेरे पास देसी गांठ थी दोस्तों, उसे मैंने इस तरीके से कस लिया है, उसे बारीक काट लिया है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये जो हल्दी की गांठ है ये किस तरीके से दूध के अंदर जाकर वर्क करती है। दोस्तों बहुत थोड़ी सी गांठ मैंने कसी है, आप लोग देखिए जिस तरह से दूध गर्म होता रहेगा, ये गांठ का जो कलर है, जो हल्दी का कलर है वो बहुत ही प्यारा लगना लगेगा दूध के अंदर। दोस्तों पाउडर की फॉर्म से ज़्यादा अच्छा हमें एक हल्दी गांठ होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इस हल्दी की गांठ के अंदर बिल्कुल प्योर है, कोई कलर मिला हुआ नहीं है और ये एकदम ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिएगा कि मार्केट से आप लोग ये गांठ खरीद सकें। दोस्तों ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है और दोस्तों ये हजारों तक जगह पे आपको इजीली मिल भी जाएगी। दोस्तों देखिए जिस तरह से दूध गर्म होता जा रहा है, दोस्तों हल्दी की ये गांठ इसके अंदर अच्छे से मिक्स होती जा रही है, इसका इतना अच्छा कलर आपको लग रहा है। दोस्तों हल्दी की इस गांठ का जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं ना एकदम केसर की जैसा आपको उसका फ्लेवर आएगा। तो इसके अंदर आप हल्का सा मीठा डाल सकते हैं और आपको बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप लोग बिल्कुल केसर के रूप में आप उसे पी रहे हैं। दोस्तों मैंने ग्लास अपना रेडी कर लिया है दूध को उसके अंदर डालने के लिए, और अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा हल्दी वाला दूध कैसा नज़र आ रहा है और वो कैसा दिखाई देता है। दोस्तों जिस तरह से हम लोग अदरक को चाय के अंदर डालते हैं, हमें ठीक उसी तरीके से हल्दी को दूध के अंदर डालना है। दोस्तों हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़्यादा चल रहा है, लोग ज़्यादातर आजकल हल्दी को दूध के साथ ही लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर लोग हल्दी को आज के टाइम में दूध के साथ मिक्स करके लेते हैं। दोस्तों देखिए मैं हमेशा हल्दी की एक गांठ यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है भाई हम लोग जिसे गांठ को यूज़ करें वो बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई भी फालतू का कलर एड नहीं है। तो दोस्तों इसका कलर देखिए, इसका टेस्ट भी दोस्तों पाउडर से ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि भाई आप लोग हल्दी की गांठ ही यूज़ करिए, उसका कलर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, दोस्तों उसकी स्मेल भी अलग ही स्मेल है उसकी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं भाई हम हल्दी को किस तरीके से और तरीके से ले सकते हैं, और काफ़ी से तरीके हैं जिससे हम लोग हल्दी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये, पियेंगे आप लोग? कोई नहीं, अपने घर में बना के पी लेना, मैंने आपको सिखा तो दिया है कि भाई किस तरीके से पीना है, उसके बाद आप लोग इसे अपने घर में जाके ईजिली बनाकर पी लेना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई आपको ये हल्दी की गांठ वाला दूध कैसा लगा टेस्ट में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें हल्दी और किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग हल्दी को सलाद के ऊपर इसी तरीके से कस के भी डालकर ले सकते हैं। दोस्तों गुजरात में इस तरीके से हल्दी को बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, और दोस्तों हम लोग हल्दी को चाय के अंदर कस कर भी ले सकते हैं। दोस्तों बस आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको पत्ती थोड़ी सी कम रखनी है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हल्दी के अंदर हमें मिलता क्या है। दोस्तों हल्दी की 100 ग्राम हल्दी के अंदर हमें मिलती है 350 कैलोरीज। जी हाँ, हल्दी के अंदर कैलोरीज होती है। दोस्तों हल्दी के अंदर हमें मिलता है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम हमें उसके अंदर मिलता है फाइबर, और दोस्तों हमें हल्दी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, हल्दी के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हल्दी के हमारे शरीर के ऊपर किस तरह के बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हल्दी हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। हम लोग मोटे मोटे कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों
हल्दी हमारे शरीर को जवान रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। हल्दी जल्दी से हमारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा नहीं आने देती। दोस्तों हल्दी हमारे दिमाग को भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो हमारे दिमाग को तेज़ रखती है। दोस्तों हल्दी से हमारे दिल की काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, जिससे हमारे दिल को हल्दी बचा लेती है। और दोस्तों हम लोग अगर बात करें लीवर के बारे में, दोस्तों लीवर के अंदर अगर जो किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो दोस्तों उन्हें हल्दी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लीवर की काफ़ी सारी बीमारियों में हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर आप लोग कैंसर से बचना है, तो दोस्तों आपको डेली की डेली कम से कम इतना दूध हल्दी का पीना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों हल्दी कैंसर से भी बचा लेती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं स्किन के बारे में। दोस्तों हल्दी को स्किन के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप लोग हल्दी को चावल को पीस कर उसके अंदर मिक्स करके अपने फेस पर लगाते हैं, आप लोग मुल्तानी मिट्टी के अंदर हल्दी को मिक्स करके अपने फेस पर लगाते हैं, कुछ लोग दही के अंदर हल्दी मिक्स करके अपने बालों पे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। दोस्तों हल्दी के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े फायदे हैं, मैं सारी बातें आपको वीडियो के अंदर बता नहीं पाऊंगा कि दोस्तों वीडियो बहुत। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हल्दी हमारे ऊपर किस तरह से काम करती है। दोस्तों हल्दी हमारे शरीर में बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से हमारे शरीर के अंदर ऑब्जर्व होती है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग हल्दी के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ कर ले थोड़ा सा, तो हल्दी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर ऑब्जर्व होने में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी उंगलियाँ भी पीली हो चुकी है, बस कुछ चंद सेकंड के लिए मैंने उसे उठाकर दूध के अंदर डाला था। दोस्तों ये होता है एकदम ओरिजिनल कलर, एकदम प्योर कलर, पाउडर फॉर्म में ये आपको नहीं मिलेगा, आपको ये प्योर गांठ के अंदर ही ये चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हम हल्दी को कितने रूप में कितनी ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है। दोस्तों अगर आप लोग हल्दी किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप लोग दिन में 2 से 4 ग्राम बच्चे को हल्दी दे सकते हैं, और दोस्तों अगर आप लोग हल्दी किसी बड़े को दे रहे हैं तो दोस्तों आप लोग मैक्सिमम 8 ग्राम तक हल्दी किसी भी बड़े इंसान को दे सकते हैं। दोस्तों अब जो मैंने पहले आपको कहा था कि भाई हल्दी की 100 ग्राम के अंदर 350 कैलोरीज मिलती है, तो दोस्तों अब आप लोग देख लीजिएगा कि 8 ग्राम के अंदर हमें बहुत थोड़ी सी कैलोरीज मिलेंगी, बहुत ही थोड़े से फाइबर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों उसके बेनिफिट्स हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें उसकी कैलोरीज के बारे में सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगा हो कि आपके भाई ने आपको कोई बढ़िया सी नॉलेज दी है तो दोस्तों कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि ऐसी ऐसी वीडियोज में आपके लिए और भी ज्यादा बना सकूं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि भाई इसका टेस्ट बिल्कुल केसर जैसा लगता है, आप लोग घर में जरूर बनाकर देखिएगा और उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि भाई इसका टेस्ट आपको कैसा लगा।